तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी नार्को। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वंदना विजय के चौथे एपिसोड से, वांडा विजन के फोर्थ एपिसोड से। एक्चुअली ये वंदना विजय वाली बात मैंने एक रेडिट मीम से देखी थी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके यार पहले उन्हें देखो, इट्स द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए हमेशा की तरह लाते रहते हैं मजेदार मूवीज और एक्सप्लेनेशंस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांडा और विजन को ट्विंस हुए, जिनका नाम था टॉमी और बिली। यहाँ जेराल्डीन वांडा से एकदम से उसके भाई पेत्रो और अल्ट्रॉन की बात करती है, और वांडा ये देख के कि जेराल्डीन वहाँ की बंदी नहीं है उसे तुरंत वहाँ से किक आउट कर देती है। अब एपिसोड की बिगिनिंग में हम जेराल्डीन, जिसका असली नाम मोनिका रैम्बो है, उसे देखते हैं। मोनिका अभी अभी थेनोस की ब्लिप से वापस आई है, दैट मींस कि जो आधी पॉपुलेशन जा चुकी थी उसमें से मोनिका भी एक थी। अब मोनिका एक हॉस्पिटल रूम में रिस्पॉन होती है और यहाँ वो अपनी माँ मारिया को ढूंढने निकल जाती है। मोनिका को अभी भी द ब्लिप के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे तो ये लग रहा है कि वो तो बस 20 मिनट की झपकी लेके वापस आई है। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी माँ तो 3 साल पहले ही गुजर गई। अब मोनिका ये सुनके चौंक जाती है, क्योंकि उसकी माँ की रिपोर्ट तो पूरी तरह क्लीन थी और उनकी बॉडी से कैंसर सेल्स जा चुके थे। लेकिन ये डॉक्टर मोनिका को एक्सप्लेन करती है कि उसकी माँ को फिर से कैंसर हो गया था और वो 3 साल पहले यानी मोनिका के गायब होने के 2 साल बाद ही चल बसी। अब ये चीज मोनिका को घंटा कुछ समझ में नहीं आती। अब यहाँ से मोनिका जॉर्ड यानी सेंटिनेंट वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिवीजन के हेडक्वार्टर्स, जहाँ वो काम करती है, वहाँ जाती है। दोस्तों मार्वल यूनिवर्स में शील्ड अर्थ रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करती है और जॉर्ड एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी कॉस्मिक या बाहर स्पेस रिलेटेड मैटर्स को देखती है। इसको काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हैं कि शील्ड होम मिनिस्ट्री है और जॉर्ड फॉरेन मिनिस्ट्री। अब मोनिका की जॉर्ड डायरेक्टर टेलर से एक मीटिंग होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मोनिका की माँ मारिया जॉर्ड की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। डायरेक्टर टेलर कैप्टन मोनिका को न्यू जर्सी टाउन का एक केस देता है। यहाँ FBI वालों को बहुत से गुमशुदा लोगों के केस मिले हैं और उनको जॉर्ड की हेल्प चाहिए। अब मोनिका को इसी केस के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है। यहाँ जाके मोनिका FBI एजेंट वू से मिलती है। इस FBI एजेंट को आप लोगों ने एंटमैन सीरीज में भी कई बार देखा होगा। अब ये FBI एजेंट मोनिका को बताता है कि लोकल शेरिफ्स को उस टाउन के बारे में कुछ भी याद नहीं और यहाँ केस मिसिंग लोगों का नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक मिसिंग टाउन का है। लोकल लोगों के जहन से वेस्टव्यू नाम के टाउन की हर एक याद वाइप आउट हो चुकी है। अब मोनिका जॉर्ड का एक सर्विलियंस ड्रोन निकालती है ताकि वो वेस्टव्यू टाउन को अच्छे से मॉनिटर कर सके। ड्रोन एक डिस्टेंस के बाद एकदम से ही कहीं वैनिश हो जाता है। मोनिका थोड़ा आगे जाके वहाँ एक फोर्स फील्ड को महसूस करती है और उसको थोड़ा टच करते ही वो उसके अंदर खींची चली जाती। मोनिका के अंदर जाते ही FBI एजेंट इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है और जॉर्ड वाले यहाँ अपना एक इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टेशन बना लेते हैं। जॉर्ड वालों को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो वो केमिकल इंजीनियर, न्यूक्लियर बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट और दुनिया भर के लोगों को बुला लेते हैं। यही अपन डार्सी लुइस को देखते हैं। डार्सी एक एस्ट्रोफिजिस्ट है और ये थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर की जिगरी दोस्त भी है। यहाँ डार्सी को अपने गैजेट्स के थ्रू पता चलता है कि यहाँ कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन फैला हुआ है। वो एक 70s के टाइम का पुराना टीवी वाला डब्बा मंगवाती है जो इन वेव्स को पकड़ सके, और यहाँ से उसको टीवी पे सिटकॉम स्टाइल में वांडा विजन का वही शो दिखता है जिसे हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं। यहाँ ये विजन को देख के कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि थेनोस ने तो विजन को मार डाला था। अब धीरे धीरे इन लोगों को बहुत से गुमशुदा लोग सीरियल में एस कास्ट मेंबर्स मिल जाते हैं। अभी भी इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक सीरियल जैसे क्यों चल रहा है और वो भी 50s के सिटकॉम स्टाइल में ही क्यों। अब सीरियल आगे चलता है और इन लोगों को मोनिका का भेजा हुआ ड्रोन भी फुटेज में दिखता है, बट somehow वो टोन अंदर जाके अपने प्रिमिटिव बोले तो पुराने वर्जन में चेंज हो गया है। आप लोगों को याद होगा कि एपिसोड 2 में वांडा को एकदम से एक कलर्ड हेलीकॉप्टर मिला था। ये हेलीकॉप्टर एक्चुअली मोनिका द्वारा भेजा गया सर्विलेंस ड्रोन ही था। यही इन लोगों को सीन्स के बीच में मोनिका भी दिखती है जो जेराल्डीन का रोल प्ले करने लगी है। एपिसोड 2 के बीच में ये लोग देखते हैं कि वांडा रेडियो के बहुत पास खड़ी थी, तभी ये लोग मौका देख के रेडियो के थ्रू वांडा को अपना मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि एक बार एकदम से ही रेडियो चलने लगता है और आवाज आती है, वांडा हु इज डूइंग दिस टू यू। ये आवाज अपने FBI एजेंट वू की ही रहती है।
अब इन लोगों को आगे कुछ पता चल पाता उससे पहले ही बीच में हाइड्रा वॉच का एक एड अपने आप ही चलने लगता है और इन लोगों का कनेक्शन यहीं टूट जाता है। थोड़े टाइम बाद इन लोगों का एक एजेंट अंडरग्राउंड टनल के थ्रू वेस्ट व्यू पहुंचता है। ये बंदा जैसे ही फोर्स फील्ड को क्रॉस करता है इस एजेंट का सूट एक ओल्ड बी कीपर के सूट में बदल जाता है और ये बंदा एपिसोड 2 के एंड में मैन होल से बाहर निकलता है। लेकिन वांडा इस सीन को तुरंत रिवर्स कर देती है। नाउ दैट एक्सप्लेन्स कि एपिसोड 2 के एंड में एकदम से जो बंदा मैन होल से बाहर निकला था वो जॉर्ड का एजेंट ही था। अब एपिसोड देखते देखते ड्रेजी के मन में ये सवाल उठता है कि फर्स्ट एपिसोड तो 50s स्टाइल में था, दूसरा एपिसोड 60s स्टाइल में और फिर इवेंचुअली थर्ड एपिसोड कलर्ड में आ गया, तो इस तरह एपिसोड के ब्रॉडकास्ट में टाइम पीरियड चेंज क्यों हो रहा है। अब एपिसोड 3 के एंड में मोनिका वांडा की डिलीवरी में हेल्प करवाने के बाद उससे पेत्रो और अल्ट्रॉन के बारे में बात करती है। ड्रेसी और FBI एजेंट दोनों जो बैठ के थर्ड एपिसोड देख रहे थे वो ऑब्जर्व करते हैं कि एकदम से ही मोनिका फ्रेम से चली गई है और एपिसोड एंड हो जाता है। अब ये देख रहे हैं कि मोनिका के साथ क्या हुआ, ये लोग बार बार रिवाइंड करके देखते हैं मगर इन लोगों को बीच का सीन दिखता ही नहीं है। बाद में एकदम से फैसिलिटी का सायरन बजने लगता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहां मोनिका बेचारी जमीन पे पड़ी हुई है। यहां बीच में हमें एज अ व्यूअर बताया जाता है कि वांडा ने ये देख के कि मोनिका एक इंट्रूडर है उसे वेस्ट व्यू से बाहर फेंक दिया। जब बाहर पूरी टीम मोनिका से उसका हालचाल पूछ रही थी तो वो सबको बताती है कि वांडा ही ये सब कर रही है। अब मोनिका को अपने घर से बाहर फेंकने के बाद वांडा विजन को देखती है जो घर के अंदर आ जाता है। वो यहाँ विजन का मरा हुआ फेस देखती है और इसे देख के वो हिल जाती है। अब इसके तुरंत बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि मोनिका को किक आउट करने के बाद वांडा को रियलिटी की थोड़ी बहुत याद तो आ जाती है बट समहाउ वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। बाद में विजन वांडा से कहता है कि अगर वो चाहे तो ये लोग कहीं और भी जा सकते हैं बट वांडा यहाँ इससे बोलती है कि अब यही हमारा घर है। तो अब यहाँ से हम क्लू लगा सकते हैं कि वांडा अपनी पावर्स के थ्रू रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही है और वो ये जानती भी है लेकिन समहाउ वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और बस यहीं रहना चाहती है। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बड़ा वाला थैंक्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।